पता है कहाँ नफरत पनपती है, समझ लेते हैं सब लेकिन नजर अंदाज करते हैं, समझ लेते हैं सब लेकिन नजर अंदाज करते हैं। किसी कम ज़र्फ की शोला बयानी से न डरिएगा, जो खाली होते हैं बर्तन बहुत आवाज करते हैं, जो खाली होते हैं बर्तन बहुत आवाज करते हैं। पते सलामत रखे घर, आप बहुत मुझसे मोहब्बत करते हैं, ये पैसे तो अलग चीज है, बस अल्लाह ताला हमारी और आपकी मोहब्बत सलामत रखे। गंगोला में जब आता हूँ ये नहीं समझता कहीं दूसरी जगह, बल्कि मुझे ये एहसास होता है कि मैंने घर में प्रोग्राम पढ़ रहा हूँ। ये आपकी मोहब्बतें हैं, आपने हजरत को वही पैसे दिए तो मेरे जहन में एक शेर घूम रहा था, सुना दूं क्या स्टार्टिंग से पहले? ये मोहब्बतें हैं जो शेर निकल रहा। हजरत जब नाते पाक पढ़ रहे थे तो आप नोटों से नवाज रहे थे, होठों से भी नवाज रहे थे, तो मेरे जहन में ये शेर घूम रहा था कि कैदे गम से यूं समझिए के रिहाई हो गई, कैदे गम से यूं समझिए के रिहाई हो गई, नाते पाके मुस्तफा सुनी दिल की सफाई हो गई। कैदे गम से खानदान वालों की दुआओं का तालिब, के कैदे गम से यूं समझिए के रिहाई हो गई, और अगर शेर अच्छा नहीं लगे तो ये पैसे वापस, ठीक है जो देख पैसे वापस, शेर अच्छा ना लगे के कैदे गम से यूं समझिए के रिहाई हो गई, नाते पाके मुस्तफा सुनी दिल की सफाई हो गई, हिजर में रोने लगा दे भर गई जेब, एक हफ्ता खाएंगे इतनी कमाई हो गई, 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 माशाल्लाह। देखिए 100-100, 50-50 के नोटों से नवाजा जा रहा है। अल्लाह ताला सलामत रखे हजरत, ये तो शुरुआत है, देखिए अभी ये लोग कितना पैसा देते हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे, बल्कि आपसे मैं ये कहूंगा अगली बार आए अभी हजरत मोहतरम सना खान ने मुस्तफ़ा तोती चमनस्तान रिसालत आले जनाब मौलाना अमर रजा फरीदपुरी बैठे हुए हैं, खतीब अहले सुन्नत नाशर मसलके आला हजरत हमदर्द कौम मिल्लत हजरत मौलाना राहत मंजरी साहब किबला मौजूद है, हफ्ज़ो कारी आदिल रजा साहब मौजूद है, शायर अहले सुन्नत शायर मुल्क हिंदुस्तान आली जनाब आशिफ कादरी बदायूनी मौशान में मोहब्बत है तो मचल जाएंगे। शायर कहता है कि अहमद रजा की शान, अरे बाप रे बाप, बोल दे सुभान अल्लाह, अहमद रजा की शान, अरे बाप रे बाप, नजदी है परेशान, अरे बाप रे बाप, की शान अहमद रजा की शान, अरे बाप रे बाप, नजदी है परेशान, अरे बाप रे बाप, और असजद रजा को देखकर नजदी भी कह उठा, असजद रजा को देखकर नजदी भी कह उठा, कैसा है खानदान, अरे बाप रे बाप, कैसा है खानदान। हजरत ने हमारा ईमान बचाया है, जो आला हजरत वाला होता है उसे हर वली से मोहब्बत है, छोटे बड़े सरकार हमारे, शहीद बगदाद हमारे, सालिम मियां हुजूर हमारे, अब्दुल कादर बदायूनी हमारे, कचौचा वाले हमारे, महरेरा वाले हमारे, बिलग्राम वाले हमारे, बरेली वाले हमारे, जितने अल्लाह के वली है सब हमारे सर के ताज है। इशारा है कि कोई ना रोक सकेगा, झटक के मारेगा, जरा सा आगे बढ़ेगा, लपक के मारेगा, रजा के बेटों की शान में गुस्ताखी ना कर वरना गुलामे ताजु शरिया है पटक के मारेगा, 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 और ना गोरे की जरूरत है ना काले की जरूरत है, ना गोरे की जरूरत है ना काले की जरूरत है, हमें अजमेर और बगदाद वाले की जरूरत है, सजा लो अपना सीना इश्क से तुम मोमिनो, सजा लो अपना सीना इश्क से तुम मोमिनो, अंधेरी कब्र में जिसको उजाले की जरूरत है, अंधेरी कब्र में जिसको उजाले की जरूरत है, तो इतना इनाम मिल रहा है, शेर पढ़ने से ज्यादा इनाम आ रहा है। अल्लाह ताला सलामत रखे।
بس یہ آخری شعر سنیں کہ غلامِ حضرتِ شبیر ہے حلقے میں مت لینا، وہ باطل کے لیے شمشیر ہے حلقے میں مت لینا، گیا ہے فاتحہ پڑھنے کسی اندھے کو سمجھا کر، وہ اورنگزیب عالمگیر ہے حلقے میں مت لینا، حضور مفتی اعظم ہند سے محبت ہے تو اپنے آپ کو روک نہیں پائیں گے، کہ غلامِ حضرتِ شبیر ہے حلقے میں مت لینا، وہ باطل کے لیے شمشیر ہے حلقے میں مت لینا، گیا ہے فاتحہ پڑھنے کسی اندھے کو سمجھا کر، وہ اورنگزیب عالمگیر ہے حلقے میں مت لینا، اور رضا کا لاڈلا جس کو کہتے ہیں مفتی اعظم، رضا کا لاڈلا جس کو کہتے ہیں مفتی اعظم، میرے ابو غوث کی تصویر ہے حلقے میں مت لینا، ابو غوث کی تصویر ہے